हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपी स्पोर्ट्स में। मैं हूँ किशन पांडे। हमने अपने पिछले दो वीडियोस में कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग के बारे में बात किया है। आज के वीडियो में हम थ्रोइंग टेक्निक के बारे में देखेंगे। अगर आप प्रॉपर टेक्निक से थ्रो करते हो तो आप एफर्टलेसली थ्रो कर सकते हैं। चलो शुरू करते। थ्रो आप तीन तरीके से कर सकते हैं, ओवर आर्म, अंडर आर्म और क्रो आप टेक्निक से। सबसे पहले देखते हैं ओवर आर्म टेक्निक। ओवर आर्म टेक्निक हम तब यूज़ करते हैं जब हमें 20 टू 60 मीटर्स का रेंज कवर करना हो। इसमें आपको सिंपली बॉल को कलेक्ट करना है और एक बेस तैयार करना है। इसमें आपका जो बॉडी वेट है वो साइड ऑन पोजिशन में रहेगा, ओपन नहीं होगा, पूरा साइड ऑन पोजिशन में रहेगा। आपका जो नॉन थ्रोइंग आर्म है, मीन्स आपका लेफ्ट हैंड, जो हैंड से आप थ्रो नहीं करेंगे, वो हाथ आपका टारगेट की तरफ रहेगा। आपका शोल्डर, हिप और टो, आपका जो आगे का पैर का टो है वो सब टारगेट की तरफ रहेगा। आपका जो थ्रोइंग आर्म है, जो हैंड से आप थ्रो करेंगे, उसका एल्बो हमेशा शोल्डर के ऊपर रहना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं शोल्डर के ऊपर या शोल्डर के लेवल में, उससे नीचे नहीं। अगर उससे नीचे रह के आप थ्रो कर रहे हैं और रिपीटेडली वैसे ही थ्रो कर रहे हैं तो आपके शोल्डर पे स्ट्रेन आएगा और इंजरी के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए आपको हमेशा जो आपका एल्बो है वो शोल्डर के ऊपर रख के ही थ्रो करना है। जैसे आपने प्रॉपर पोजीशन में आगे थ्रो के फिर आपको बॉल को रिलीज़ करना है। इस टाइम आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको बॉडी वेट आगे रख के रिलीज़ करना है बॉल को, और आपका जो पूरा फॉलो थ्रू है वो टारगेट की तरफ जाएगा, ताकि आप बॉल को फास्ट थ्रो कर सके। और इस टाइम जो आप थ्रो करेंगे उस टाइम आपका जो ग्रिप है वो क्रॉस सिम पकड़ना है आपको, सिम से नहीं, क्रॉस सिम पकड़ना है, ताकि बॉल स्विंग ना हो। अगर आप सिम से बॉल को थ्रो करेंगे तो बॉल स्विंग होगा, इसलिए आपको क्रॉस सिम पकड़ के बॉल को थ्रो करना है। दूसरा तरीका है अंडर आर्म। अंडर आर्म टेक्निक हम तब यूज़ करते हैं जब हमें 10 टू 15 मीटर का रेंज कवर करना हो। इसमें आपको सिंपली आपका जो डोमिनेंट फुट है, मीन्स अगर आप एक राइट हैंड से थ्रो करते हैं तो आपका डोमिनेंट लेग रहेगा राइट लेग, उसके बाजू में बॉल को पकड़ना है, फिंगर पॉइंटिंग डाउन करके, और बॉल को रिलीज़ करना है। रिलीज़ करते हैं आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपका जो एल्बो है वो स्ट्रेट रहेगा, वो बेंड नहीं होगा। अगर वो बेंड होगा तो बॉल ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। इसे आपको एल्बो स्ट्रेट रख के बॉल को रिलीज़ करना है, ताकि आपका पूरा एम बेस ऑफ द स्टंप लग सके। और ट्राई करें कि बॉल आपको वहाँ से ही रिलीज़ करना है जहाँ से आपने पकड़ा है। समझो आपने बॉल यहाँ पे पकड़ा है तो आपको बॉल यहाँ से ही रिलीज़ करना है, आपको बॉल पीछे नहीं लेके जाना है, यहाँ से ही रिलीज़ करना है। अगर आप बॉल पीछे लेके आएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको बॉल को यहीं रिलीज़ करना है और आपका बॉडी वेट आगे ट्रांसफ़र करना है टारगेट की तरफ। आपका पूरा वेट, पूरा बॉडी वेट आगे टारगेट की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर आपको हिट करना है। तीसरा तरीका है क्रो हॉप टेक्निक। क्रो हॉप टेक्निक हम तब यूज़ करते हैं जब हमें 70 टू 80 मीटर्स का रेंज कवर करना हो। इसमें आपको सिंपली सब चीज़ सेम करना है जो हमने ओवर आर्म टेक्निक में यूज़ किया है। आपको बॉल को कलेक्ट करना है, फिर आपको हॉप करना है। जैसे आपने देखा है क्रो हॉप करता है, वैसे आपको हॉप करना है और एक प्रॉपर बेस पोजीशन में आना है, जो हमने ओवर आर्म टेक्निक में देखा है। पूरा साइड ऑन पोजीशन रख के, अपना नॉन थ्रोइंग आर्म टारगेट की तरफ रख के, पूरा सेम प्रोसीजर यूज़ करना है जो हमने ओवर आर्म टेक्निक में देखा है। पर इसमें ये एक है कि आपको हॉप करना है, ताकि आपको थ्रो करने के लिए एक मोमेंटम मिल सके, क्योंकि आपको लंबा रेंज पर थ्रो करना है। हॉप करना है कैसे, वो देखा आपने कि आपका जो पीछे वाला लेग है उससे आपको क्रॉस करना है, हॉप करके आगे आना है। Thank you.
सो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।